Good morning to all of you. In today's class, today I am going to focus on the topic of figure of speech. Figure means structure and speech means language. Means structure of the language. भाषा की आकृति. तो भाषा की आकृति means बनावट. तो मैं भाषा को एक तरीके से कुछ उसका रूप रंग परिवर्तन करके मैं उसमें कुछ परिवर्तन ला सकता हूँ. जैसे अपने चेहरे में, मैं अपने कपड़े के रख रखाव में श्रृंगार करके मैं शरीर की शोभा बढ़ा सकता हूँ. उसी तरह से भाषा की भी बनावट बदली जा सकती है और ऐसे फॉर्मेशन को, ऐसे स्ट्रक्चर को फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है. एक्चुअली ये आपको लिटरेचर का विषय है लेकिन ग्रामर में चूंकि इसका टॉपिक है इसलिए ग्रामर आपको मैं इसके तहत आपको बता देता हूँ. और ये आपको यूज आएंगे लिटरेचर में, जिसको कि पोएटिक डिवाइस भी कहा जा सकता है. आप इसे पोएटिक डिवाइस के नाम से भी जान सकते हैं. पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच नन एज पोएटिक डिवाइस. यू मे आस्क क्वेश्चन दैट ए क्वेश्चन मे बी आस्क्ड बाय यू विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन एबव वर्स एंड यू हैव टू डिसाइड डिक्लेयर अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच. इसके ध्यान से सुने. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. एक व्यक्ति करने का एक तरीका है, एक रूप है. That highlights the matter, जो किसी मैटर को उजागर करता है, एक्सप्रेस करता है, बताता है. Not in ordinary way, एक साधारण तरीके से नहीं, but in a remarkable manner, means एक सही तरीके से, सामान्य रूप से हटकर जब किसी लैंग्वेज को, किसी भाषा का जब एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की जाती है, वैसे अभिव्यक्ति, ऐसे भाव को फिगर ऑफ स्पीच कहा जा सकता है. फिगर ऑफ स्पीच कैन बी क्लासिफाइड या इट इज क्लासिफाइड इन सिक्स ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप इज नन एज बेस्ट ऑफ रिजेम्बलेंस. पहचान के आधार पे, बेस्ट ऑन द बेस ऑफ रिजेम्बलेंस. बेस्ट ऑफ कंट्रास्ट एंड थर्ड बेस्ट ऑफ एसोसिएशन. फोर्थ बेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड फिफ्थ बेस्ट ऑन इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, नॉट इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन. एंड सिक्स बेस्ट ऑन सॉन्ग, जो आवाज के माध्यम से मैं उसको समझ सकता हूँ, बता सकता हूँ. अब इसमें देयर आर सो मेनी फिगर ऑफ स्पीच आर इन इंग्लिश ग्रामर. But some of them which is used in your general life or general way, I am going to mention about them. First, simile. What is simile? Simile is a comparison word. It always compared between two different things. Be attentive. They always compare between two different things, not similar thing. Man is compared with animal. Living things is compared with the non-living things. एक ही ग्रुप के व्यक्ति से इसकी तुलना नहीं की जाती है. अलग अलग दोनों ग्रुप रहेंगे. दैट्स व्हाई आई मे डिफाइन इट इन दिस वे. सिमिली इज अ कंपेरिजन वर्ड. इट कंपेयर्स बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग एज, शो और लाइक. इसमें हम किसी व्यक्ति की, किसी अन्य वस्तु से, किसी अन्य जानवर से या किसी व्यक्ति विशेष से इसकी तुलना कर सकते हैं लेकिन लाइक, शो और एज. यू आर एज व्हाइट एज स्नो मीन्स योर व्हाइटनेस फेयर कम्प्लेक्शन इज कम्पेयर विद द स्नो. यू आर एज ब्लैक एज कोल मीन्स योर ब्लैकनेस, योर फिगर इज कम्पेयर विद द कोल. कोल इज अ नॉन लिविंग थिंग्स बट यू आर लिविंग थिंग्स. दैट्स वाई आई कैन से दैट इट कम्पेयर्स बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स बाई यूजिंग एज, शो और लाइक. दैट्स वाई इट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ द सिमिली. एक एग्जाम्पल के तौर और समझ सकते हैं कि किंग पौरुष फॉट इन द बैटल फील्ड लाइक ए लायन. Lion is an animal, but King Porush was a living things. And living things, the quality of living things, quality of a brave person is compared with the bravery of lion. Compares with the lion. It means it always compare between two different things. दो अन्य विभिन्न वस्तुओं के से अगर तुलना की जाती है लेकिन ये likes और as का use must है. तो ये आपका हो जाएगा simile. और metaphor both are similar. In sense. Simile is also a comparison word, whereas metaphor always, yeah, it is also a compare word, comparison word. But what is the difference between both of them? There is something difference between both of them. Simile compares by using as or like, where metaphor is also a comparison word, but it compares विदाउट यूजिंग एज, शो और लाइक. इसमें एज, शो और लाइक का कोई यूज नहीं किया जाता है जबकि यह भी कंपेरिजन करता है. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल बताया था कि किंग पौरुष फाउट इन द बैटल फील्ड लाइक ए लायन. इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द सिमिली. बट आई कैन से दैट किंग पौरुष वॉज अ लायन इन द बैटल फील्ड लाइक इज नॉट यूज्ड हियर.
So that's why it is known as the example of the metaphor. Metaphor. Camel is the sheep of desert. Camel is the sheep of desert. Here sheep is also compared with camel, but like is not used here. That's why it will be the example of the metaphor. But if I may say that camel is like a sheep of the desert, that's why it will be known as the example of the simile. It is the major difference between both of them. Next, personification, vyaktikaran. What is personification? Non-living things act just like living things is known as personification. जब निर्जीव वस्तु सजीव की भांति कार्य करता है तो उसे personification करते हैं. इट मीन्स सुनने में ऐसा प्रतीत होगा कि वो सजीव है लेकिन वास्तव में वो निर्जीव है, वो नॉन लिविंग है, लेकिन प्रतीत क्या होता है, वो लिविंग जैसा, एक्शन वर्ड उसका लिविंग जैसा होगा. तो दैट्स व्हाई वी मे डिफाइन दैट पर्सनिफिकेशन व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स एक्ट जस्ट लाइक लिविंग थिंग्स इज नॉन एज पर्सनिफिकेशन. अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर बट वंस. अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर. इट सीम्स दैट अपॉर्चुनिटी इज ए पर्सन हु इज नॉकिंग योर डोर एंड यू हैव गॉन देयर एंड open the door and you say that please sit down and have a cup of tea. ऐसा प्रतीत होता है कि opportunity कोई एक व्यक्ति विशेष है जो आपके दरवाजे पर knocking कर रहा है और आप उसका स्वागत करने के लिए दरवाजे तक जाते हैं. But in actually, in reality, opportunity is not a living thing. It is a non-living things. But action word is just like a living things. That's why it is known as the example of the personification. Next. Irony. What is irony? Irony is a comment. Irony is a comment. ये आपका व्यंग किया जाता है. सुनने में ऐसा लगता है कि मैं किसी की प्रशंसा कर रहा हूं लेकिन वास्तव में मैं उसकी प्रशंसा नहीं, मैं उसकी आलोचना कर रहा हूं. Figuratively, we praise a person, but literally we criticize a person. सुनने में ऐसा प्रतीत होता है मैं किसी की प्रशंसा करता हूं लेकिन वास्तव में वो उसकी प्रशंसा नहीं, उसकी आलोचना की जा रही है. ऐसे सेंस जो अपोजिट सेंस निकलते हैं, व्हाट वी से इट्स इन जस्ट अपोजिट सेंस इज नन एज द आयरनी. जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसका जब ठीक विपरीत अर्थ निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आयरनी. मीन्स अगर मेरा पुत्र है मात्र 24 घंटे में 2 घंटे ही पढ़ता है, कभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन मैं अपने मित्रगण से जब मैं इसकी प्रशंसा करता हूं कि वाह अगर पुत्र हो तो मेरे जैसा, बस दिन भर बेचारा मेहनत करते रहता है, बस मात्र 2 घंटा ही आराम करता है, तो सुनने में तो लगता है ऐसे लोगों को लगे कि ये अपने पुत्र की प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन वास्तव में ये प्रशंसा नहीं है, ये उसकी आलोचना की जा रही है. इसलिए इसका डिफाइन किया गया है कि फिगरेटिवली वी प्रेज ए पर्सन बट रियलिटी या इन लिटरली वी क्रिटिसाइज ए पर्सन. सो दैट्स व्हाई इट विल बी द एग्जांपल ऑफ द आयरनी विच creates just opposite what we say. Next, alliteration. Be attentive in alliteration and repetition. There is a great intimate relation between both of them. Alliteration, the repetition of letter or sound. The repetition of letter or sound is known as alliteration. It means the sheep sells in the seashore. Here you may see that S, S, S and S. Clear? S is a letter which is repeated in 4 times. The letter which is repeated in 2 or more than times in a verse is known as alliteration. कम से कम 2 या 2 से अधिक बार अगर किसी letter का या sound का अगर repetition किया जाता है, वैसे sounds को alliteration कहा जाता है. लेकिन repetition of word is known as repetition. Repetition या by using a letter more than 2 and more than times is known as alliteration, but repetition of or using of words 2 and more than times in a verse is known as repetition. Man may come and man may go, but I may go forever. Here you may see that man 2 times, man is used 2 times, and may 2 times, may is also used in 2 times. It means repetition of word is shown here in this example. That's why it will be the example of the repetition. And next, climax and anticlimax. What is climax and anticlimax? Climax shows the ladder. Just like I am going to up a stair and he is coming in down direction, down a stair. So up a stair means सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जाना और down a stair means सीढ़ी के माध्यम से नीचे उतरना. तो climax shows the ladder. Ladder means you may say that ladder. ये लैडर जो है वो किसी ऊपर जाने का सीढ़ी का कार्य करता है.
जो स्टेप बाय स्टेप 1, 2, 3 and 4 स्टेप बाय स्टेप मैं ऊपर जाता हूं, अर्थात कोई भी मैटर चाहे वो डिस्प्यूट हो या किसी डिस्कशन पर, किसी मैटर पर डिस्कशन चल रहा है, अगर ये डिस्कशन का मैटर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते डिस्प्यूट तक चला जाता है तो उस मैटर को मैं बोलता हूं क्लाइमेक्स। मीन्स पहले दो व्यक्ति आकर मिलते हैं आपस में, मिलने के बाद डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद तू तू मैं पर उतार हो जाते हैं, फिर यहां तक एब्यूजिंग वर्ड का यूज करते हैं और एब्यूजिंग वर्ड के बाद वो फाइटिंग शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते झगड़े का रूप जो पकड़ लिया, डिस्प्यूट का रूप जो उसने पकड़ लिया, इस सेंस को बोलते हैं क्लाइमेक्स। लेकिन जस्ट अपोजिट ऑफ क्लाइमेक्स इज नोन एज एंटी क्लाइमेक्स। ठीक उसी तरह से एंटी क्लाइमेक्स जो हुआ 4, 3, 2 and 1 दीज प्रोसेस आर नोन एज एंटी क्लाइमेक्स। पहले आते ही आते कुछ कोई भी बातचीत नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, पहले आते ही आते फाइटिंग शुरू हो गया। इसके बाद जब उन लोग को अलग किया गया एब्यूजिंग वर्ड का यूज करने लगे, फिर धीरे धीरे डिस्कशन पर चलने लगे, फिर उन लोगों को अलग कर दिया गया। मतलब इसमें जो है क्लाइमेक्स में पहले जो बात धीरे धीरे प्रोसेस बाई प्रोसेस बढ़ते बढ़ते बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है, ये गंभीर या सीरियस रूप धारण कर लेता है। लेकिन एंटी क्लाइमेक्स में क्या है, सीरियस से कॉमन वे में जब आते हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ क्लाइमेक्स इज नन एज एंटी क्लाइमेक्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। और ये आपको पोएटिक डिवाइस लिटरेसी पार्ट में, लिटरेसी पास में आपको ये क्वेश्चंस देंगे कि विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन अबव लाइन, तो आप इनकी सहायता से जो एग्जांपल्स हमने बताया इसमें, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आर यूज्ड इन सच टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और एनी अदर ग्रामर बुक, दिट विल बी हेल्प इन योर एग्जामिनेशन पीरियड। दैट्स व्हाई एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो हाउ मच यू मे प्रैक्टिस योर क्लैरिफाई विल बी इंक्रीज्ड। दैट्स ऑल।